नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतेन तोमर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सतेंद्र में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, रोग जितने भी हम रोग पढ़ रहे हैं वो हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, सबसे पहले तो प्रोटोजोआ या फिर ये कहें कि ये होता क्या है, तो ये परजीवी होता है। परजीवी का मतलब आप मान लीजिए कि ऐसा कोई भी जीव या ऐसा कोई भी सूक्ष्म जीव जो अन्य जीव पर निर्भर रहता हो उसे परजीवी कहा जाता है, पैरासाइटिक कहा जाता है। तो प्रोटोजोआ होता है ये भी परजीवी होता है। और इस परजीवी से होने वाले जो रोग हैं उनकी ट्रिक है पानी पे मक्का, पानी पे मक्का। अब यहां अगर हम बात करें तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, पानी पे मक्का। पानी पे मक्का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आराम से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। पासे कौन सा है, तो पासे जो रोग है उस रोग का नाम है पायलिया। क्या है? पायलिया। नी से कौन सा रोग है, इसे है निद्रा रोग या फिर इसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लीपिंग सिकनेस। ये रोग कौन सा है, इस रोग को कहा जाता है पेचिस। क्या कहा जाता है? पेचिस। और इसके अलावा जो रोग है, इस रोग का नाम क्या है, तो इस रोग का नाम है मलेरिया। क्या नाम है? मलेरिया। और कासेज रोग है, इस रोग का नाम है कालाजार। कालाजार या काला आजार भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं पालना है। काला आजार जो है वो मान लेना है कि हाँ काला आजार या काला जार बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें, मैंने आपको रोग बताए कितने, तो पहला पायरिया, दूसरा निद्रा रोग, तीसरा जो है वो आपका पेचिस, चौथा जो है वो आपका मलेरिया और पांचवा जो है वो है आपका काला जार रोग। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक है पानी पे मक्का। क्या? पानी पे मक्का। तो पानी पे मक्का जो ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा, जिससे जब भी ये पूछता है कि ऐसा कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है, तो आप तुरंत इसको वहां पर पहचान लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, तो कौन कौन से रोग हैं, और तो रोग तो हमने देख लिए, ये वाले रोग हैं, ये किस किस के कारण होते हैं, तो इस चीज को हम देखते हैं अब कि कौन सा रोग किस परजीवी के कारण होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर ये जितने भी रोग मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इन रोगों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए एक एक को देखते हैं। पहला है हमारा पायरिया। पायरिया जो रोग है ये किसके कारण होता है, तो एक परजीवी होता है, उस परजीवी का नाम है एंट अमीबा जिंजिवेलिस। एंट अमीबा जिंजिवेलिस। और इस रोग में जो पायरिया नामक रोग है, इस रोग में मसूड़ों से पस निकलता है। क्या निकलता है? पस। ये पस क्या होता है? पस का मतलब होता है एक तरीके से आप मान लीजिए लिक्विड। क्या निकलता है? लिक्विड निकलता है जिससे मुंह से दुर्गंध आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मसूड़ों से खून भी निकलता है। मसूड़े जो है कमजोर हो जाते हैं, मसूड़े कमजोर होने के कारण जो दांत होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, और जैसे ही दांत ढीले पड़ते हैं तो दांत जो है ये गिरने लग जाते हैं, और धीमे धीमे यानी सारे के सारे दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं पायरिया में। तो यहाँ अगर हम बात करें कि पायरिया जो है वो दांतों से संबंधित रोग है, और पायरिया में मसूड़ों से खून आने लगता है, पस निकलने लगता है, जिसके कारण जो दांत है वो कमजोर हो जाते हैं, गिर जाते हैं। किसके कारण हो रहा है? तो एंट अमीबा जिंजिवेलिस के कारण हो रहा है। किसके कारण? एंट अमीबा जिंजिवेलिस के कारण। ठीक है, तो पहला रोग मैंने आपको बता दिया पायरिया। निदान क्या इसका? तो निदान यह है कि एक तो इंसुलिन का इंजेक्शन ले सकते हैं आप। इंसुलिन का इंजेक्शन अगर आप लेते रहेंगे तो इंसुलिन जो है वो क्या करेगा, यानी इंसुलिन जो है वो आपका यानी ग्लूकोज को कम करने का काम करता है। किसको? ग्लूकोज को। तो जब ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ती है तो इससे जो दांत होते हैं हमारे वो कमजोर होने लगते हैं,
ठीक है, वैसे भी कहा जाता है ज्यादा मीठा खाने से जो दांत होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कारण यही है। ठीक है, तो पायरिया रोग जो है ये आप समझ गए होंगे कि पायरिया रोग का कारण क्या है। तो एंट अमीबा जिंजिवेलिस। नेक्स्ट रोग कौन सा है? निद्रा। नेक्स्ट रोग कौन सा है? निद्रा रोग। निद्रा रोग या फिर इसे स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है, स्लीपिंग सिकनेस। जो स्लीपिंग सिकनेस है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है ट्रेपेनोसोमा। ट्रेपेनोसोमा एक परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम होता है, इसके कारण होता है। और ये ट्रेपेनोसोमा जो प्लाज्मोडियम है, परजीवी है, ये सीसी मक्की के अंदर रहता है। किसके? सीसी मक्की के अंदर। सीसी ऐसे लिखा है, TSE TSE, सीसी सीसी मक्की के अंदर रहता है। और जब ये मक्की जो होती है पहले किसी रोगी व्यक्ति को काटेगी, और रोगी व्यक्ति को काटने के पश्चात किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेगी। तो जब स्वस्थ व्यक्ति को काटेगी तो रोगी व्यक्ति के अंदर जो ट्रिपेनोसोमा वायरस था, सॉरी ट्रिपेनोसोमा जो प्रोटोजोआ था, परजीवी था, वो पहुंच जाएगा स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, और स्वस्थ व्यक्ति जो होगा उसे अधिक मात्रा में निद्रा आएगी, यानी हर समय वो नींद जैसी कंडीशन में रहेगा, हर समय उसे थकावट महसूस होगी। समझ लीजिएगा वो कौन सा रोग है? निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस की स्थिति है। ठीक है, तो दो रोग हो गए, एक मैंने आपको बताया पायरिया, दूसरा निद्रा रोग, तीसरा कौन सा है? पेचिस। कौन सा रोग है? पेचिस। जो पेचिस रोग है ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, किस परजीवी के कारण होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ये रोग होता है, पेचिस रोग। और मैं आपको बता दूं कि पेचिस रोग जो होता है, इस पेचिस रोग में उल्टी, और उल्टी के साथ साथ दस्त, और दस्त में खून आता है, खूनी दस्त हो जाते हैं। और खूनी दस्त जब हो जाते हैं तो समझ लीजिएगा वो पेचिस की कंडीशन है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो परजीवी होता है ये किसके अंदर रहता है? तो ये बड़ी आंत के अंदर रहता है। किसके अंदर? बड़ी आंत के अंदर। और बड़ी आंत का कौन सा पार्ट? जिसको हम बोलते हैं कोलन। ठीक है, कोलन, सीकम, रेक्टम। जैसे अगर हम बात करें छोटी आंत और बड़ी आंत, तो छोटी आंत जो होती है उसके तीन पार्ट होते हैं, बड़ी आंत जो होती है उसके भी तीन पार्ट होते हैं। तो बड़ी आंत का तीन पार्ट में एक पार्ट होता है कोलन। इस कोलन के अंदर रहता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और जिसके कारण आंत में संक्रमण हो जाता है। संक्रमण होने के कारण यानी दस्त हो जाते हैं, उल्टियां होने लगती हैं, और दस्त मतलब इस टाइप से होते हैं कि जैसे खून आने लगता है उसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा पेचिस जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा रोग है वो कौन सा है? नेक्स्ट जो हमारा रोग है मलेरिया। मलेरिया को मैं लास्ट में बताऊंगा सबसे, क्योंकि मलेरिया के बारे में और भी कई सारी इंफॉर्मेशन है। पहले हम देख लेते हैं काला जार। कौन सा? काला जार। तो जो काला जार रोग है, ये काला जार रोग या काला आजार, काला जार रोग का कारण क्या है? तो काला जार रोग का कारण है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कौन सा प्लाज्मोडियम? तो जिसका नाम है लीशमैनिया। क्या नाम है? लीशमैनिया परजीवी जो होता है ये काला जार रोग का कारण होता है। और काला जार रोग जो होता है ये इस रोग का भाग होती बालू मक्खी। कौन होता है? बालू मक्खी। और कालाजार रोग में व्यक्ति को तेज बुखार की स्थिति रहती है, तेज बुखार आता है। तो तेज बुखार के कारण यानी व्यक्ति जो है वो काफी कमजोर पड़ जाता है, लीशमैनिया जो है वो इसका कारण है। ठीक है, तो ये कालाजार रोग है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कौन सा? मलेरिया। मलेरिया से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मलेरिया का कारण क्या है? परजीवी है। कौन सा परजीवी है? तो उस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। कौन सा परजीवी है? प्लाज्मोडियम। अच्छा, इस प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? ये जो परजीवी है इस परजीवी की खोज किसने की थी? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था लेगरॉन। क्या नाम था? लेगरॉन। लेगरॉन ने 1880 में, लेगरॉन ने 1880 में प्लाज्मोडियम की खोज की थी। इसके अलावा एक और व्यक्ति है सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस, सर रोनाल्ड रॉस ने ये बताया था कि इस प्लाज्मोडियम का संबंध किससे है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर से। किससे? मादा एनाफ्लीज मच्छर से।
और जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है वो इस रोग की वाहक होती है, प्लाज्मोडियम की वाहक होती है। ठीक है, तो सर रोनाल्ड रॉस ने क्या बताया है कि प्लाज्मोडियम का संबंध किससे है, मादा एनाफिलीज मच्छर से है। प्लाज्मोडियम की खोज किसने की है, तो लेवरॉन ने की है 1880 में। ठीक है, और इसकी जो दवा है वो क्या है, कुनेन। कौन सी दवा है इसकी, मलेरिया की जो दवा होती है कुनेन। ठीक है, मलेरिया की दवा जो होती है कुनेन, ये कौन से पादप से बनाई जाती है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका टास्क है आज का, ये आपका टास्क है कि मलेरिया की जो दवा होती है कुनेन वो कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है, ये आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कई सारी दवा होती है, जैसे केमा क्विनोन, ठीक है, ये भी मलेरिया की दवा होती है। इसके अलावा क्लोरोक्विन नामक एक और दवा होती है, क्लोरो क्विन नामक दवा भी मलेरिया की दवा होती है, लेकिन इसमें जो कोनेन नामक दवा है ये सबसे फेमस दवा है। तो ये मैंने आपको बता दिया आज प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच।